हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीराज और स्वागत है आपका फैंटेस्टिक एडवाइस हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ट्यून फ्लेक्स ब्लूटूथ नेकबैंड ईयरफोन का, जो कि काफ़ी कमाल का ईयरफोन है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलता है। साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फुल रिमोट कंट्रोल आपको मिल जाता है, क्वालकॉम चिपसेट मिल जाता है, अप टू 12 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है, यानी कि आप 12 घंटे तक गाने सुन सकते हैं। बैक साइड में देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो शायद मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता। आप खुद जब ईयरफोन ख़रीदिएगा तो बॉक्स चेक कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट बॉक्स को भी अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। दूसरे साइड में नॉइस का ब्रांडिंग आपको मिल जाता है और भी कुछ देखने को नहीं मिलता। तो हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, क्या क्या सामान इसके अंदर से निकलता है और इस ईयरफोन में क्या क्या फीचर हमें मिल जाता है। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स हो चुका है ओपन और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का ईयरफोन है। तो सबसे पहले हम इस प्लास्टिक लेयर को हटा लेते हैं यहाँ से और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या कंटेंट, क्या क्या सामान में देखने को मिलता है ईयरफोन के साथ में। तो ये है ईयरफोन, तो इसको करते हैं सबसे पहले साइड में और देखते हैं इसके अंदर क्या मिल जाता है। तो एक यहाँ पे यूज़र मैनुअल मिलता है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ हमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसको आप रजिस्टर करके आप अपने ईयरफोन का वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। आप यहाँ पे QR कोड देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर योर प्रोडक्ट। तो इसके वेबसाइट में जाके अपने प्रोडक्ट को आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यूज़र मैनुअल देख सकते हैं, इसमें आपको गाइड करेगा कि ईयरफोन को किस तरह से यूज़ करना है। तो इसको करते हैं साइड में और देखते हैं ईयरफोन के साथ हमें और क्या क्या मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रबड़ मिल जाते हैं, चार जो रबड़ हैं वो अलग से आपको मिल जाते हैं। तो इसको पहले मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं USB केबल आपको यहाँ पर मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और साथ में चार रबड़ मिल जाते हैं जो कि अगर आपका ईयरफोन का जो रबड़ है वो खो जाने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं सबसे पहले ओपन और देखते हैं कि ये ईयरफोन कैसा है और इसको यूज़ कैसे करना है और इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं इसको, ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ईयरफोन को देख सकते हैं, ईयरफोन फुल्ली फ्लेक्सिबल है। आप जैसे ही मरोड़ेंगे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा नहीं, कहीं से गिर जाता है फिर भी ये ईयरफोन टूटने वाला नहीं है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल ईयरफोन है। तो यहाँ पे साइड में देख लेते हैं कौन कौन सा बटन हमें मिल जाता है। तो एक यहाँ पर पावर बटन मिल जाता है, साथ में एक इंडिकेटर लाइट मिल जाता है, एंड वॉल्यूम डाउन एंड अप बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दूसरे साइड में नॉइज़ का ब्रांडिंग है, कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और इसमें आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स मिल जाते हैं जो काफ़ी कमाल के हैं, जिसको आप देख सकते हैं ये काफ़ी आसानी से आपस में चिपक जाते हैं। और दोस्तों, अब इसके फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। तो इसमें आपको फीचर के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। इसमें आपको ब्लूटूथ रेंज 10 मीटर का मिल जाता है, नेकबैंड की बैटरी जो है 140 mAh की है और ये अप टू 12 आवर्स है, यानी कि एक बार आप इसको चार्ज करेंगे तो 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है ईयरफोन आपका। दोस्तों, इस ईयरफोन का चार्जिंग टाइम है 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का अगर आप एक बार इसको चार्ज कर देते हैं फुल चार्ज, तो इसको आप 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। तो है ना, ये कमाल का ईयरफोन, काफ़ी कमाल का ईयरफोन है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।